हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन, और आज बने रहे मेरे साथ इस लेक्चर के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 मार्क्स का लेक्चर। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। आज मैं जो चैप्टर आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में, टर्म 2 के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और आई गारंटेड, मैं सिर्फ इस लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर केवल 13 क्वेश्चन कराऊंगा, 12 to 13 क्वेश्चन। अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, इन क्वेश्चंस को लिखेंगे, उनका आंसर लिखेंगे मेरे साथ, तो मैं गारंटी देता हूँ यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। तो बार बार इस बात को रिपीट करने से अच्छा है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, और ये क्लास 10th CBSE NCERT का चैप्टर नंबर है 14। तो प्लीज़ आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, बने रहे लेक्चर के एंड तक। लेकिन उससे पहले कुछ मीठा हो जाए, मीठे का मतलब सब्सक्राइब का बटन दबा दें और स्टार्ट करते हैं, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके और मार्क्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। तो इस चैप्टर से हमारे टर्म 2 के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आ रहा है? 8 मार्क्स का। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, जो चैप्टर प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके होते हो ना, तो उनको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में पहले से ही नॉलेज होती है। तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ 9th क्लास का। आपने अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो स्टडी किया है, वो आपने स्टडी किया है कि डेटा क्या होता है। क्या चीज़? डेटा, बराबर। तो डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। अब डेटा बहुत टाइप का डेटा हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके गांव में या शहर में कोई फंक्शन कराना है, तो आप क्या करते हो? चंदा करते हो। तो चंदा करने के लिए आप क्या करते हो? घर घर जाते हो, ऐलान लगवाते हो कि भाई आप थोड़ा थोड़ा चंदा दीजिए। तो वहाँ से डेटा आपको क्या मिलेगा? 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 30-30, मतलब इस तरह से आपको अलग अलग चंदा मिलेगा। अब वो वहाँ से जो नोट इकट्ठे होंगे आपके पास, तो वो इन टर्म्स ऑफ नोट वो क्या है? आपके लिए डेटा है, बराबर। उसका अमाउंट आप बना सकते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी स्कूल में जाते हो और आपके बच्चों का, आपको बच्चों का, स्टूडेंट्स का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो वो भी आपके लिए क्या हो गया? डेटा हो गया। तो लाभ लाभ लाभ, बहुत सारे डेटा के बारे में 9th क्लास के अंदर बहुत हम स्टडी कर चुके हैं। बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डेटा 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, और एक क्या होता है? सेकेंडरी डेटा, बराबर। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर होता है? सिंपल सी बात, मैं एक ही एग्जांपल से समझाऊंगा। प्राइमरी डेटा रिपोर्टर के लिए, किसके लिए? रिपोर्टर के लिए जो भी डेटा होता है, या जो भी डेटा रिपोर्टर एट द स्पॉट या एट द डोर इकट्ठा करता है, वो उसके लिए क्या हो गया? प्राइमरी डेटा हो गया। बट जैसे ही ये चैनल को प्रोवाइड करेगा, तो चैनल के थ्रू हम जो सुनते हैं न्यूज़ को, वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा। क्या कहलाता है वो? सेकेंडरी डेटा। आरिवास में तो डेटा 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए, इंटरप्रेटेट करने के लिए जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये सब एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि ये क्या चीज़ होती है, एग्ज़ाम में क्या आने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस पर बेस्ड आने वाले हैं, वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा और चलते हैं। क्या? डेटा को आप 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में बांटते हैं। एक कैसा? अनग्रुप डेटा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था। और कौन सा? ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा 9th क्लास के अंदर आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अनग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। क्लियर? अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं 10th क्लास में, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? ग्रुप डेटा। अगर अनग्रुप आता है तो डरने का नहीं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं वो। तो ग्रुप डेटा के अंदर भी हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी पढ़ना है, और विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी पढ़ना है अपने को। क्लियर? तो व्हाट वी वुड स्टडी, कि हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? वेरी गुड। चलिए, अब इसके अंदर ग्रुप डेटा के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिए। तो देखिए, हम स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। ये 3 टाइप की होती है सेंट्रल टेंडेंसी। एक होता है मीन, एक होता है मोड, और एक क्या होता है? मीडियन। एक क्या होता है? मीडियन, बराबर।
पूरा चैप्टर इन्हीं तीन बातों पर रिलेटेड है, बाकी आपका ओजाइव ग्राफ जो है वो डिलेटेड है, अपने को पढ़ना नहीं है ओजाइव। तो ओवरऑल हमें किसके बारे में स्टडी करना है, मीन मीडियन मोड के बारे में। क्लियर, ये सभी क्या कहलाती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। अब इशू ये है कि वाई दे आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, क्यों कहलाते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, मीन हो चाहे मोड हो चाहे मीडियन हो, तीनों का आंसर एक ही टाइप के डेटा के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई डेटा है, बराबर, किसी कंपनी के प्रॉफिट का आपको डेटा दे रखा है, बराबर। अब उससे आप चाहे मीन निकालें, चाहे मोड निकालें, चाहे मीडियन निकालें, मेथड अलग अलग होंगे लेकिन तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर। तो वो सेम आंसर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी। उस डेटा के बीचों बीच की वैल्यू जिसके सराउंडिंग सारी वैल्यू लाई करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे विराट कोहली ने किसी 5 मैच के सीरीज़ में, पहले मैच में मान लो 50, दूसरे में 100, मान लो फिर 0, फिर मान लो उसने फिर 50, 1, 2, 3, 4 और मान लो फिर कितने मार दिए, 40 मार दिए। क्लियर, अब इस डेटा का अपने को क्या बताना है, मीन बताना है। क्या बताना है, मीन। अब मीन का मतलब क्या है, देखो किसी मैच में 50 मार रहा है, किसी में 100 मार रहा है, किसी में रन ही नहीं मार रहा है, किसी में 50 हैं, किसी में कितने हैं, 40 हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि सभी में अलग अलग रन मार रहा है हर डे में, बराबर। लेकिन हमें क्या बताना है, मीन बताना है। तो व्हाट एग्जैक्टली आ मीन, मीन का मतलब होता है कि सारे रन को आप बराबर बराबर पार्ट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वो इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे विराट कोहली के रन मारने की कंसिस्टेंसी के बारे में पता चलेगा। जैसे मैं इसका अगर मीन निकालूं तो 9th क्लास में मीन को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स बार से, और क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 50 प्लस 40 और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 5। क्लियर, या नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, 5। तो देखिए 50 100 और 100 200, तो 240 240 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 4 और 5 8। अब समझिए, देखें वो कितने भी रन मारे लेकिन उसका एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 48। तो इसका मतलब है कि वो पांचों मैच में बराबर बराबर कितने रन स्कोर करेगा, वो 48 स्कोर करेगा। तो हमें मीन निकालने की ज़रूरत क्या है, तो इससे हमें कंसिस्टेंसी पता चल रही है क्या, कि भले ही वो 1-2 मैच में रन नहीं मारे लेकिन ओवरऑल पूरी सीरीज़ के अंदर तो 48 रन मार ही रहा है ना हर मैच में, तो ये एक अच्छा एवरेज माना जाता है। अगर इसका एवरेज 20-25 आता तो ये टीम से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली आर मीनिंग ऑफ मीन, मीन का मतलब समझ में आया कि एवरेज वैल्यू क्या है इसकी, मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग हर मैच में कितने रन उसने कंसिस्टेंटली स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, आपने 5 घरों से चंदा इकट्ठा किया, तो किसी घर वाले ने 10 रुपये दिए, किसी घर वाले ने 20 रुपये दिए, किसी घर वाले ने 50 रुपये दिए, किसी घर वाले ने 100 रुपये दिए, बराबर, और किसी घर वाले ने कितने दिए, 1 2 3 4 मान लो 200 रुपये दिए, कितने रुपये दिए, 200 रुपये। क्लियर, अब आपको 5 घरों से टोटल कितना अमाउंट मिला, कितना अमाउंट मिला, सभी जगह से देखो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन एवरेज अमाउंट कितना मिला, मतलब आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ वो ज़्यादा बेटर है। मान लो आपकी लोकेलिटी में 500 घर हैं, कितने घर हैं, 500। अब 500 हाउस से अपने को एक टारगेट बनाना है कि मुझे इस लोकेलिटी से इतना रुपया चाहिए, तो अगर मैं 10 रुपये भी लगाऊँ एक घर से तो कितना हो गया, 5000 हो गया। मतलब अगर मैं एक लोकेलिटी से जिसके अंदर 500 हाउस हैं वहाँ से अगर मैं चंदा इकट्ठा करूँ 10 रुपये के हिसाब से, क्लियर, तो वो कितना इकट्ठा होगा, 5000 होगा। अब जब आप चंदा इकट्ठा करने जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको 10 रुपये ही दे, हो सकता है कोई 1 रुपया भी ना दे, हो सकता है कोई 100 रुपये दे, हो सकता है कोई 50 रुपये दे, आरिवासों में। लेकिन ओवरऑल अगर आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए कितना, 5000, आपके पास कितना इकट्ठा हो गया, 5000। आपको मालूम है ये कितने घरों से हुआ है, 500 घरों से, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो आपका एवरेज कितना आ गया, 10। अब ज़रा सोचिए प्रैक्टिकली, आपने एवरेज पहले ही सोच रखा था कि ऑन एन एवरेज हर घर से मुझे कितने रुपये चाहिए, 10 रुपये चाहिए, तो 10 रुपये के चक्कर में आपने सारे घरों का भ्रमण कर दिया। भ्रमण करने के बाद आपके पास टोटल पैसा कितना इकट्ठा हुआ, 5000। अब आपको इस बात से मतलब नहीं है कि किसने दिए किसने नहीं दिए, आपके पास तो टोटल 5000 आ ही गया ना, 5000 500 के हिसाब से
हर घर पर कितने रुपए मिले, 10 रुपए मिले, तो दिस इज़ कॉल्ड एवरेज। अब ये एवरेज जो मैंने अभी तक निकाला है वो किससे निकाला है, मीन से। अब यही मैं एवरेज किससे निकाल सकता हूँ, मोड से निकाल सकता हूँ, यही किससे निकाल सकता हूँ, मीडियन से निकाल सकता हूँ, बराबर। लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आप बोलोगे सर जब आप एक से ही निकाल सकते हो तो फालतू में तीन तीन फार्मूला क्यों लगा रहे हो आप, ये दो और क्यों लगा रहे हो। लेकिन मेरे लाल गोपाल, हर बार चंदा ही इकट्ठा नहीं होने वाला है, डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के होने की वजह से उनके मेथड भी डिफरेंट होते हैं, बट आंसर क्या आने वाला है, तीनों मेथड से सेम आने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बीच की वैल्यू, सेंट्रल टेंडेंसी। तीन टाइप की होती हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको तीनों के फार्मूलाज लिखवाने वाला हूँ, और वो फार्मूलाज में किसको क्या बोलते हैं ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तभी वन बाई वन क्लियर करेंगे। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठिए और तीनों के फार्मूलाज क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मैं लिखवा देता हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर देंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में, क्लियर? आठ नंबर का आ रहा है भाई, आठ नंबर के लिए आपको सिर्फ इस लेक्चर को देखना है। ये लेक्चर अगर आप कंसिस्टेंटली देख लेंगे ना इसको बहुत ही ध्यान से, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मीन की। तो देखिए मीन के अंदर अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला, अगर अनग्रुप डेटा है या ग्रुप डेटा है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तब उसका एवरेज क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्लियर? मैं जो बोलता जा रहा हूँ आप यहाँ लिखते जाइए। क्या ये कौन से डेटा के लिए है, अनग्रुप डेटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन सा है, अनग्रुप भी हो सकता है ग्रुप भी हो सकता है बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा, इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डायरेक्ट मेथड, बराबर। मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, ये फार्मूला होता है। अब आप बोलेंगे सर डी बार क्या होता है यहाँ पर, तो डी बार का फॉर्मूला लिख लीजिए, डी बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब आप बोलोगे सर डी क्या होता है, तो डी होता है एक्स माइनस ए। अब ये सारी बातें अभी पता नहीं चलेंगी, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी बातें वन बाई वन क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। लेक्चर के एंड तक बने रहे हैं। तो देखिए हमें एज्यूम मीन मेथड, कौन सा मेथड है ये, एज्यूम मीन मेथड, मेथड हमें मीन को क्या करना है, एज्यूम करना है। तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हवा में बातें करने से कोई फायदा नहीं, आपको समझ में नहीं आने वाला है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए। हमें सिर्फ क्या करना है, डी बार लाना है, डी बार कैसे आएगा, सिग्मा एफ डी, जैसे सिग्मा एफ एक्स आता है ऐसे सिग्मा एफ डी आएगा, और डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए। फॉर्मूला लिख लीजिए, कंप्लीट फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला लगाने से पहले डी निकालना पड़ेगा, डी के बाद डी बार निकालना पड़ेगा, और डी बार यहाँ रख देंगे आंसर आ जाएगा एक्स बार। चौथा या तीसरा मेथड जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द यू बार, जैसे डी बार वैसे यू बार, तो यू बार होता है सिग्मा एफ यू, यहाँ डी बार है तो एफ डी होगा, यहाँ होगा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। डराए नहीं, ये ऐसे ही लिखते रहिए, लिखते रहिए, जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब आप बोलोगे सर यू क्या है, यू है हमारा यहाँ पर, यू है हमारा यहाँ पर डी अपॉन एच, यू कौन है, डी अपॉन एच। आप बोलोगे सर डी क्या है, और डी हमारा कौन है, एक्स माइनस ए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए, ये सारे फॉर्मूले किसके हो गए, मीन के हो गए, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फार्मूलाज नोट कर लीजिए, वन बाई वन मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोड की, किसके मोड की, नाइन्थ क्लास के अंदर, नाइन्थ क्लास के अंदर जब अनग्रुप डेटा के बारे में आपने स्टडी किया था तो आपको फॉर एग्जाम्पल टू टू थ्री थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री और सेवन, इसका जब मोड पूछता था तो आप सिंपल सा आंसर देते थे, क्या जो जितनी बार ज़्यादा आएगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। दो कितनी बार आया है, दो बार, तीन आया, एक दो तीन चार, यही सबसे ज़्यादा बार आया तो इसका मोड कितना हो गया, थ्री हो गया। लेकिन टेंथ क्लास में ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, अगर पूछ लेगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता है आप बता सकते हैं। तो मैं अनग्रुप डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रुप डेटा की बात कर रहा हूँ, किसकी, ग्रुप डेटा की, ठीक है। तो ग्रुप डेटा के लिए मोड का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला, बताइए क्या होता है,
एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ये किसका फॉर्मूला है? मोड का। या एफ वन क्या है, एफ नॉट क्या है, एफ टू क्या है, ये आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा। क्लियर? अभी आप सिर्फ क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। क्लियर? ये किसका फॉर्मूला है? मोड का। क्लियर? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए मोड के बारे में, और देखिए फिर मैं वन बाई वन जितने भी इसके क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको मैं लगवाने वाला हूँ, और उन्हीं क्वेश्चन से एग्ज़ाम में आने वाला है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बराबर? चलिए वेरी गुड। अब हम बात करेंगे किसकी? मीडियन की। किसकी? मीडियन की। ये सभी कौन है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए मीडियन में हम अनग्रुप की भी बात करेंगे, ग्रुप की भी, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो अगर आपके पास अनग्रुप डेटा है, कौन सा डेटा है? अनग्रुप डेटा। क्लियर? अब उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 और 9 ये है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो डेटा ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो सुनिए, अगर डेटा आपके पास ऑड है, क्या है? ऑड है, तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? तब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म। बराबर? लेकिन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोट कर लीजिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, सबसे पहले आप उस डेटा को कौन से ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। अगर पहला ही मिस्टेक कर दिया आपने, ऑर्डर को अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा, तो आंसर गलत। और इसी वजह से ये टेंथ क्लास के अंदर रखा गया है अनग्रुप डेटा। क्यों? बच्चे नाइन्थ में तो गलती करते थे, टेंथ में भी करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डेटा को हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, नंबर्स के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? जब आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे तो आप कितना ही मेथड लगा लो, गलत आएगा आंसर आपका। ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद, नंबर वन, अगर डेटा ऑड है तो मीडियन किसके बराबर होगा? मीडियन होगा एन प्लस वन, या छोटा एन या बड़ा एन कुछ भी बना लो, अपॉन टू एथ टर्म। बराबर? कैसे? एन पहले से ऑड है, ऑड प्लस वन क्या होता है? इवन। इवन दो से कट जाएगा, तो जो भी टर्म आएगा, जैसे मान लो कट थ्री रखा आपने, तो थ्री प्लस वन फोर हो गया, फोर टू से कटेगा तो टू हो जाएगा, तो सेकंड टर्म आएगा, तो सेकंड पोजीशन पर जो भी नंबर होगा वही उसका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। क्लियर? वेरी गुड। फॉर्मूला लिखते जाइए वन बाई वन, सभी के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। अगर इवन है, ये डेटा कैसा है? इवन है, मतलब नंबर जो है इवन फॉर्म में है, मान लो 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं, 22 हैं, अगर ऐसे नंबर हैं, तो इसका मीडियन, तो इसका मीडियन एवरेज आएगा किस किस का? एन बाई टू एथ टर्म का, और प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म का। इसमें इसमें फ़र्क है, इसमें इसमें चेंजेस हैं। कैसे? ये n बाई टू एथ टर्म है, ये n बाई टू निकालने के बाद अगले टर्म है, ये कौन है? n प्लस वन बाई टू है, ये कौन है? n बाई टू और प्लस वन अलग से है टर्म। बराबर? तो जैसे मान लो अगर आपने 4 लिया है, नंबर ऑफ टर्म 4 लिए, तो 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो सेकंड टर्म, और प्लस वन कर दूंगा तो थर्ड टर्म। बराबर? तो जो भी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म होंगे उनको आप ऐड करके 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये कहानी किसकी हो गई? अनग्रुप डेटा की। अनग्रुप डेटा का अपने को मीडियन कैसे निकालना है? तो मीडियन ऐसे निकालना है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। किसकी? ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फार्मूला किसका हो गया? मीडियन का हो गया, नोट कर लीजिए। ये सारे फार्मूलाज आपके किसके हो गए? मीडियन के हो गए। बराबर? चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं वन बाई वन, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही कराने वाला हूँ। आप पेन कॉपी लेकर बैठिए प्लीज़, और उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक आध फॉर्मूला और आएगा, जैसे मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है, वो बाद में बात करेंगे, जब पूरा पढ़ लेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख लीजिए, और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 13 क्वेश्चन वन बाई वन, आई गारंटी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्या, एक ही बार में देखिए मैं कराऊँगा तो एक ही बार में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको दे रखा है टण 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 टण। ठीक है, ये कौन है? 10।
ये कौन है 30, ये कौन है 50, ये कौन है 70, और ये कौन है 89, ज़रूरत नहीं आगे, ठीक है। और ये कितना है 7, और ये कितना है 8, और ये कितना है 10, और ये कितना है 15, और ये कौन है 10, बराबर। इसका तुम्हें क्या बताना है, मीन बताना है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 10 नंबर कितनी बार आ रहा है, 7 टाइम्स, 10 सात बार। 30 कितनी बार आ रहा है, 30 कितनी बार आ रहा है, 8 बार, 30 8 बार। तो 9th क्लास में पहले मालूम था कि बड़े बड़े डेटा दिए होते थे, उसको सिंपल आप टैली मार्क कर देते थे और सिंपल वे में लिख देते थे, क्लियर। अब इसका मेन बताना है, देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फार्मूला बताया था मैंने, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट फार्मूला ही लगाएं, आप एज्यूम मीन भी लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं, बराबर। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है, तो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, एक्स कितना है 10, 30, 50, 70, 89, ये बेसिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक वालों के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए एफ कितना है, एफ कितना है 7, 8, 10, 15 और 10। अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला कब यूज़ करेंगे, जब आपको ये मल्टीप्लिकेशन ईजी आती हो, तब आप क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला के लिए मुझे एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स क्या होता है, टोटल समी तो होता है, कैसे, 10 कितनी बार आ रहा है, या 10 का नोट मान लीजिए, 10 का नोट कितनी बार है, 7 बार है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 70 हुआ ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 70, यह कितना हुआ 240, यह कितना हुआ 500, यह कितना हुआ 105, 1000, बराबर, हाँ 1050, और ये कितना हुआ 890, क्लियर। सिग्मा एफ टोटल सम कितना है, देखो 15, 10 और 10, 20 और 30, 35, 35 और 15, 50, कितना हो गया 50। यहाँ देखिए ये 0, 7, 4, 11 और 5, 16, 11 और 5, 16, 16 और 9, 16 और 9, 25, 2 हुआ, 2, 2, 4 और 5, 9, 9 और 8, 17 और 2, तो कितना हो गया 2750। तो देखिए यहाँ से मीन कितना आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू 2750 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 25, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 5 5 25, ये इसका क्या आ गया, मीन आ गया, ये इसका क्या आ गया, मीन आ गया 55, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ पक्का। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से करा देता हूँ, देखिए डायरेक्ट मेथड आ गया, सेम टाइप का डेटा है, तीनों मेथड लगाएंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हटाऊँ मैं, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखें ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, कितना आंसर आया था 55। अब देखिए मैं आपको एज्यूम मीन मेथड कराता हूँ, कौन सा मेथड, एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन मेथड के लिए एफ एक्स हटा दीजिए, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। अब यहाँ पर क्या, किसको क्या बोलते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं, वो सीख लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर मैंने नहीं बताया था, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता। अब देखें यहाँ पर ए क्या है, ए है एज्यूम मीन, एज्यूम मीन मतलब हम एक्स में से फिल्टर आउट करेंगे कि ए क्या ले सकते हो। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये ऑड नंबर है तो इसका बीच का नंबर लेना है अपने को, तो ये कौन हो गया, ए हो गया आपका। अब आप बोलते हैं कि सर अगर ये 6 होते, एक नंबर और होता, तो आपकी चॉइस थी, आप ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, क्लियर। अगर ऑड है तो बहुत अच्छी बात है, आधे ऊपर आधे नीचे और बीच वाला नंबर ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया 50 हो गया, तो डी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू कितनी हो गई 50, क्लियर। अब अपने को डी बार लाना है, क्या लाना है, डी बार। डी बार क्या होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ डी क्या होता है, एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर डी लाना है, तो डी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए, क्लियर। तो देखो एक्स कौन है 10 और ए कौन है 50, इन सभी नंबर में से 50 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आ रही बात समझ में, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। 10 माइनस 50, 30 माइनस 50, 50 माइनस 50, एक्स है ना, एक्स में से ए को माइनस कर दो, 70 माइनस ए मतलब 50, और 89 माइनस 50, आ रही बात समझ में। तो ये माइनस का कितना हो गया 40, ये माइनस का कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 20, बराबर, और ये कितना हो गया
39, कितना हो गया 39, बराबर। अब देखें अपने को क्या लाना है, FD, FD का मतलब अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया माइनस का 280 और माइनस का 160 और ये 0, ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 390, बराबर। अब अपना काम क्या है, इसका सम निकालना है सिग्मा FD, बराबर। इसका सम निकालने के लिए प्लस वालों को एक तरफ लिख लो, तो ये कितना हो गया 690, कितना हो गया 690, ये दोनों माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा 0, 8 से 14, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 0, 5 और 2, तो प्लस का कितना आएगा 250, प्लस का कितना आएगा 250। तो देखिए कितना ईजी हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये हटाऊँ मैं, तो पहले डी बार निकालते हैं, डी बार देखिए सिग्मा FD कितना है 250, और सिग्मा F पहले ही निकाल चुका हूँ मैं, सिग्मा F किसके बराबर है 50 के बराबर, तो 5 5 25, तो ये 5 आ गया डी बार, बराबर। हमारे पास क्या है एक्स बार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना है अपने को, ए प्लस डी बार, तो ए कितना है 50 है ना, और डी बार कितना है 5, तो कितना आंसर आ गया 55। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें इसमें ये डिफरेंस है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये नंबर्स बड़े बड़े होते हैं 19 39 179, इस टाइप के नंबर होते हैं, तब आप डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ कर सकते थे, क्यों, उसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग होता, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होता है, एक ज़रा सी भी मल्टीप्लिकेशन अगर गलत हो गई ना तो पूरा ही आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तब उस केस में आप एज्यूमिन मेथड लगाएंगे, तो इससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन इजी नहीं हो रही है, तब आप स्टेप डेविएशन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए स्टेप डेविएशन, ये नोट कर लीजिए, वो देखिए मैं स्टेप डेविएशन लगाता हूँ, उससे और इजी हो जाएगा, देखिए कैसे इजी होगा। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। अब यहाँ पर आप स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एच है वो ग्रुप डेटा के लिए होता है, किसके लिए होता है ग्रुप डेटा के लिए, तो यहाँ पर आपके पास ग्रुप डेटा नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर स्टेप डेविएशन नहीं लगा सकते, सिर्फ आप एज्यूमिंग मेथड से ही काम चलाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वेरी गुड, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ठेड़ ठेड़ ला 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 ला, एक हसीना थी एक दीवाना था। देखिए आप पूरी साल पढ़ाई की है आपने, और सिर्फ ये लेक्चर को आप देख लीजिए, देखिए कितना डिफरेंस मिलेगा, मतलब आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन लिखिए, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, डेटा का मीन अपने को कितना दिया है 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है, तो देखिए टेण 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 टेण, ये हो गया x, ये कौन हो गया f, 5 10 15 20 25, ये डेटा आपको दिया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 7 6 8 4 और 5, क्लियर। चलिए k की वैल्यू बतानी है, के तो आने वाला है यार, के कहाँ आपका पीछा छोड़ने वाला है, के तो 100% आएगा ही आएगा, अब वो किस फॉर्म में पूछता है ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए ओके, टेबल बना लें, टेबलर फॉर्म बना लें डेटा की, क्या 5 10 15 20 25, बराबर। और फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 k 8 4 5, जब कभी भी आपको मीन दिया हो, बराबर, तो आप कभी भी ना स्टेप डेविएशन लगाएंगे ना एज्यूम मीन लगाएंगे, तब आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, बताइए क्या होता है डायरेक्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स बार अपने को दे रखा है, कितना एक्स बार 14 दे रखा है, सिग्मा एफ निकाल लीजिए, सिग्मा एफ कितना हो गया 5 4 9 9 और 8 17 17 और 7 24 और K, तो 24 प्लस K, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ प्लस नहीं लगाते हैं, ये लिख देते हैं 24 के, भाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर रहे हैं, तो सभी जगह क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो यहाँ प्लस K आएगा नहीं आएगा, प्लस K, बाकी ऐड कर दीजिए,
तो देखिए 8, 7, 15, 15 और 5, 20 और 4 कितने हो गए 24, 24 प्लस के, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 24 प्लस के। बस अपने को क्या चाहिए, fx चाहिए। क्या चाहिए? fx। fx निकालने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, स्कूल के ग्रुप में शेयर करिए, उनका भी कुछ फ़ायदा हो। नहीं सर, हम सिर्फ अपना ही फ़ायदा चाहते हैं। अरे भाई, थोड़े परोपकारी बन जाओ, दूसरे का भी फ़ायदा कर दो। बताइए एफ एक्स क्या होता है? 35, 7 5 10 × k, 10 k। अब ये देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए 10 k लिखेंगे। और 15 × 8 = 120, 80, 125। क्लियर? अब देखिए यहाँ ऐड करेंगे सभी को, क्या करेंगे ऐड। तो ऐड कैसे होगा, ध्यान से सुनिए। ये वाले को तो अलग ही लिखिए, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए 5 इसमें डालिए या 5 हटा दीजिए यहाँ से, तो ये 200 हो गया, तो ये 200 हो गया, और ये 300 हो गया, 300 हो गया, और 325 हो गया। ये कैसे, 80 इसमें डालेंगे, 5 हटा दीजिए तो 200 हो गया, 100 ये, 300, 20 ये, 5 ये, तो 325, 325 में 35 जोड़िए, 325 में 35 जोड़िए, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, 3 और 2 5 और 1 6, तो 360 हो गया। कितना हो गया? 360 प्लस 10 के, प्लस 10 के। दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है भाई, प्लस 10 के। ठीक है, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 360 प्लस 10 के। ठीक है, चलिए सॉल्व करना है अपने को। क्या करना है? सॉल्व। तो देखिए कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 14 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 24 प्लस के इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 प्लस 10 के। चलिए सॉल्व करके बताइए, एक मिनट देता हूँ, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, कितना आंसर आएगा इसका बताइए। देखिए ये आएगा 336, 14 फोर ज़ा है ना, 14 फोर ज़ा कितना आएगा, 4 × 16 है ना, 56 आएगा, तो 5 कह रही, 14 टू ज़ा 28, 28 प्लस 5 आ रहा है, और प्लस कितना हो गया 14 के इज इक्वल टू 360 और प्लस 10 के बराबर। ये प्लस का है यहीं रखिए, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ये कितना हो गया 360, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कितना बचेगा, ये 4 के माइनस करिए, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 24/4 = 6। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अगर आप यहाँ पर 6 रख देंगे तो इसका मेन निकल कर कितना आएगा, 14 आएगा। फिलहाल यहाँ मिसिंग था वो k, मैंने मान लिया और k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो लगा लेते हैं, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप लोग प्लीज़ फोकस करिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप कंस्ट्रक्शन चैप्टर देखिए। कंस्ट्रक्शन मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर ही कंप्लीट कर दिया है, जितने ही मैंने उसके अंदर क्वेश्चन कराए हैं 100% वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम सिनेरियो इस चैप्टर के लिए भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप साइंस में वीक हैं तो मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर फोल्डर बना रखा है, वन शॉट वीडियोस हैं। कार्बोनेट्स कंपाउंड आप देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, सारे चैप्टर्स के मैंने वहाँ पर 1x1 अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से वॉच करिए, आपको वहीं से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। मीन कितना दिया है अपने को, 54 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, किसकी वैल्यू बतानी है, पी की वैल्यू बतानी है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अपने को क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। और क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये क्लास इंटरवल दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 7 और इसकी पी, इसकी 10, इसकी 9 और इसकी 13। क्लियर? अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है?
ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये ग्रुप डेटा है। कैसा डेटा है? ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा क्या है? क्लास दे रखा है अपने को, क्लास दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आप बोलोगे सर ये कॉलम कैसे छोड़ दिया आपने, ये कैसे छोड़ दिया, कैसी नाइन साहब ये। अरे भाई पिछले क्वेश्चन में x दिया था, तो बगैर x के आप कैसे निकाल सकते हो, बराबर। अब x क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड क्लास मार्क। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकलता है? क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और बाई 2, दोनों लिमिट का एवरेज, एवरेज लेना है। इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? तो 0 प्लस 20, ये माइनस नहीं भैया, डैश है, ये लिमिट है, ये यहाँ से यहाँ तक। 0 प्लस 20 बाई 2, तो 20 बाई 2 तो कितना हो गया? 10। तो ये कितना आएगा? 10। इन दोनों को ऐड करो, 20 प्लस 40 60, और 60 का आधा कितना आएगा? 30। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर इंटरवल फिक्स है तो आप उतना ही ऐड करते जाइए। तो देखो 20 का गैप है तो 20 और बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 50। 20 और बढ़ा दीजिए, 70। 20 और बढ़ा दीजिए, 90। देखो वही आ रहा है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 7, 3, 10, 9 और 13। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब कभी भी आपको मीन दिया हो तब आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट। चलिए बताइए, एफ एक्स 70, 30p, 500 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 630 और 0, 1170। क्लियर? सिग्मा एफ देखें 9 और 7, 16 और 10, 26, 26 और 13, 26 और 13 कितने हो गए? 39 प्लस पी, 39 प्लस पी। क्लियर? इसको ऐड करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो देखें, इसको छोड़ दीजिए अभी आप, ठीक है, इसको ऐड करिए, 0 0 0 0, तो कितना आएगा ये? 0। 7 और 3, 7 और 3 10 और 7 17 बन गए रही। 5 और 1 6 और 6 12 और 1 13 बन गए रही। तो ये हो गया 2370 और प्लस कितना पी? 30p। ये प्लस करेंगे ना तो ये पी वाला टर्म अलग हो जाएगा। क्लियर? तो सारी वैल्यूज आ गई, रख देते हैं यहाँ पर। कितना मीन है? 54 मीन है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 39 प्लस पी, बराबर। और सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2370 प्लस 30p। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 39 प्लस पी के साथ, और 2370 प्लस 30p। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2106 प्लस 54p इज इक्वल टू 2370 प्लस 30p। मैंने मोबाइल से निकाल दिया, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए ये कितना है? 54p। ये प्लस का, इधर आके किसका हो गया? माइनस का हो गया। ये हो गया 2370 माइनस 2106, तो ये कितना बचेगा? 24p इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा? 2370 में से 2106 माइनस करिए तो 4 बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा, तो कितना? 264। तो पी किसके बराबर हो गया? 264 अपॉन 24 वन जा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। कितनी आएगी? 11 आएगी आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, इंक डाल लेता हूँ तब तक मैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लोगों में शेयर करें। आप नोट कर लीजिए फटाफट, इंक डाल लेता हूँ मैं, क्योंकि ये इंक इसकी ख़त्म होने वाली है मार्कर के। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
साइंस को कंप्लीट करने के लिए आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी चैप्टर्स मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं उनके आप वीडियोस देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के, अदरवाइज़ CBSE डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है। CBSE के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है इसको, ठीक है। चल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड क्वेश्चन था, है ना। चलिए चलो बाहर चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एज्यूम मीन मेथड। मतलब इसमें बोल रखा है तो अपने को एज्यूम मीन ही लगाना है, डेटा भी अजीब ही होगा तभी तो एज्यूम मीन लगाना है। तो देखिए अपने को क्लास दे रखा है, क्या दे रखा है, क्लास दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठड़ा ठड़ा ठड़ा, क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या दिया है, 2 से 8, 8 से 14 और 14 से 20 और 20 से 26 और 26 से 32 और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 6, 3, 12, 11 और 8, राइट, वेरी गुड। देखिए डेटा तो खैर ऐसा नहीं है जिसके लिए एज्यूम मीन लगाया जाए, लेकिन आपको दे रखा है कि एज्यूम मीन से सॉल्व करिए, तो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता था। चलिए क्लास इंटरवल है ना, कौन कौन है, 2, 8, 8, 14, 14, 20, 6 का गैप है ना, 20, 26 और 26, 32, एक्स लाना पड़ेगा अपने को, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 6, 3, 12, 11, 8, बराबर। अब देखिए क्लास मार्क कैसे आता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 8 और 2, 10, 10 का आधा 5, 12, 14 और 8, 22, तो इसका आधा 11, 6 का गैप है, 6 बढ़ता जा रहा है, तो कितना हो गया 17, तो ये कितना हो गया 23, 6 बढ़ाइए तो कितना हो गया 29, बराबर 6 बढ़ाते रहे, 5, 6, 11, 11 और 6, 17, 17 और 6, 23, 23 और 6, 29, क्लियर। एज्यूम मीन मेथड लगाना है तो पहले अपने को मीन एज्यूम करना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो मीन कौन आ गया, ए आ गया, मीन कौन आ गया, ए। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, ए आ चुका है और डी बार लाने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, है ना, और d कैसे आएगा, x माइनस a, तो यहाँ पर पहले d लाना है, d कैसे आएगा, x माइनस a, इन सभी नंबर में से इसको माइनस करते जाओ, कैसे, 5 माइनस 17, 11 माइनस 17, 17 माइनस 17, 23 माइनस 17, 29 माइनस 17, तो ये कितना बचेगा बताइए, माइनस का 12, माइनस का 6, 0, तो देखो 6 कम होता जा रहा है, इधर 6 बढ़ता जाएगा, 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एफ डी, जैसे हम एफ एक्स निकालते हैं ऐसे एफ डी निकालेंगे, एफ डी तो -72, -18, 0, एफ डी एफ डी है ना, 66, 96, सिग्मा एफ डी निकालेंगे और सिग्मा एफ निकालेंगे, बराबर, तो कितने हो गए, 12, 8, 20 और 6, 3, 9 और 11, 20, 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, देखिए 12, 8, 20 हो गए और 6, 3, 9 और 11, 20 हो गए, तो 20, 20 कितना हो गया, 40 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस के कितने होंगे, 96 और 66, अरे डायरेक्ट करो ना, 6 और 6, 12, 9, 6, 15 और 1, 16, 162, माइनस के कितने होंगे, 8 और 2, 10, 7 और 1, 8 और 1, 9, 90 हो जाएंगे ना, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 7 बचेगा, तो 72 बचेगा, कितना बचेगा ये, 72, क्लियर, हटाओ इसे, चलें, वेरी गुड।
अब देखिए, पहले अपने को डी बार लाना है, तो डी बार क्या होता है, सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी कितना है 72 और सिग्मा एफ कितना है 40, चार से काट दीजिए कितना हो जाएगा, 8 से काटिए, 8 9 72 और 8 5 40, 8 से काटा, 8 5 8 9 5 से काटिए, 5 1 5 8 1.8। एक्स बार लाना है, ए प्लस डी बार, ए कितना एज्यूम किया है आपने 17, तो ये हो गया 17 प्लस 1.8, तो कितना हो गया ये 18.8, ये इसका मीन हो गया बाई एज्यूमिंग मैथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th लगाते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपने एनसीईआरटी लगा रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एनसीईआरटी के साथ साथ बाहर के क्वेश्चंस भी हैं, जिसके अंदर आपको पी की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वो सभी आपको कंप्लीट करना पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, अपने को मीन बताना है। ठीक है, अब कौन सा मेथड यूज़ करना है ये नहीं दिया है, तो आपकी चॉइस है, कोई सा भी कर सकते हैं, बट डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं डेटा डायरेक्ट लिख दूँ, मत लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, आप डेटा लिख लीजिए, वरना आप बोलोगे कहाँ से आ गया ये। क्लास देखिए, क्लास है आपका 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 5 5 बढ़ रहा है ना इसमें, और 45 से 50, और 50 से 55, और 55 से 60, यहाँ तक डेटा दिया है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लियर, चलें मीन बताना है, क्या बताना है, मीन, राइट। अब मीन डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो डेटा को थोड़ा अरेंज करें, एक्स नहीं लिखेंगे पहले, क्यों, क्योंकि अपने को पहले क्या दे रखा है, क्लास दे रखा है, उसके बाद एक्स निकालेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो बताइए कितना, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और 55 से 60। ठेण ठेण ठेण, फ्रीक्वेंसी लिख दें पहले, चलिए वेरी गुड, क्या लिख दें, 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4, चलिए क्लास मार्क निकालेंगे। देखिए क्लास मार्क कैसे आएगा, 25 प्लस 30 बाई 2, तो कितना हो गया 55 बाई 2, तो 27.5। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट की जहाँ बात आती है ना, बच्चे आधे बेहोश हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया। तो बेहोश होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए कितना सिंपल वे में कराता हूँ ऐसे, देखिए ये इन दोनों को ऐड किया ना आपने, तो कितना आ जाएगा 27.5। तो देखिए यहाँ पर कितना 27.5, 5 5 का गैप है, तो 5 बढ़ा दीजिए इसमें, तो 7 5 12, तो 32.5, कितना आएगा 32.5, 5 5 बढ़ाते चले जाइए, तो कितना हो गया 37.5, 5 बढ़ाते जाइए तो 42.5, बराबर, और 5 बढ़ाते चले जाइए 47.5, और 5 बढ़ाते चले जाइए तो 52.5, और 5 बढ़ाते चले जाइए तो 57.5। क्लियर, अब अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो तो ज़रा बचुआ सोचो, ये पॉइंट भी है, इतने बड़े बड़े नंबर्स भी हैं, तो लेने देने पड़ जाएंगे, तो आप ये नहीं लगाएंगे, एज्यूम मीन मेथड भी नहीं लगाएंगे, इसमें हम स्टेप डेविएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टेप डेविएशन। तो देखिए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, और यू बार कैसे निकलता है, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और यू कैसे निकलता है, डी अपॉन एच, और डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए, मतलब स्टार्टिंग तो तुम्हें एज्यूम मीन से ही करना पड़ेगी। तो पहले ए निकालो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ऊपर 3 नीचे, ये आ गया आपका ए,
बराबर। तो यहाँ से d निकालो, d क्या होता है x माइनस a, हर नंबर में से ये माइनस करते चले जाओ, तो 27.5 में से 42.5, 32.5 में से 42.5, 37.5 में से 42.5, 42.5 में से 42.5, 47.5 में से 42.5, 52.5 में से 42.5 और 57.5 में से 42.5 माइनस करते चले जाइए, बराबर। कितना बचेगा ये, 5 में से 5 जाएगा, पहले तो ये माइनस का बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, और 42 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15, माइनस करके देख लीजिए, है ना, कितना बचेगा बताइए। हो गया, चलिए वेरी गुड। हाँ, इसमें से माइनस करिए तो कितना बचेगा ये, 42.5 में से 27.5 माइनस करिए तो 0 हो गया, 12 में से 7 गए तो 5 हो गए, और 3 में से 2 गया 1, तो 15 बचेगा, वो भी माइनस का, किसका माइनस का, क्लियर। अब अगले वाले में ज़रा सोचिए, यहाँ से 5-5 बढ़ता जा रहा था, यहाँ 5-5 घटता चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 10, माइनस कितना बचेगा 10, फिर घटता चला जाएगा तो माइनस 5, फिर घटता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, अब 5-5 बढ़ता चला जाएगा, यहाँ कितना हो गया 5, फिर कितना हो जाएगा 10, और फिर कितना हो जाएगा 15, क्लियर। अब इसके बाद अपने को U लाना है, तो U क्या होता है D अपॉन H, क्लियर, और H होता है इंटरवल की विड्थ, तो यहाँ इंटरवल की विड्थ H कितना है 5 है, H कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करते चले जाइए, 5 से डिवाइड करते चले जाइए तो कितना हो गया माइनस 3, ये D है ना, तो कितना हो गया माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, कितना हो गया 3, क्लियर। अब अपने को क्या करना है, एफ यू निकालना है, क्या निकालना है एफ यू, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर चाहिए अपने को एफ यू, ठीक है। चलिए बताइए, एफ है ये और यू है ये, तो देखो 14 3 जा 42, 22 2 जा 44, 16 1 जा 16, 6 0 जा 0, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, अपने को सिग्मा एफ यू निकालना है। देखिए ये मेथड्स क्या करते हैं, आपके कॉम्प्लिकेटेड डेटा को इजी फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 12 और 6 18 और 5 23, तो 23 तो प्लस का आएगा, अब ये कितना हो गया, ऐड करिए तो ये हो गया आपका 6 4 10 और 2 12, है ना, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, ये माइनस का है, क्लियर, इसे माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, बराबर, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो माइनस का कितना आएगा 79, माइनस का कितना आएगा 79, बराबर। और सिग्मा एफ किसके बराबर है, सिग्मा एफ ऐड कर दीजिए आप, 4 और 3 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 22 कितने हो गए 18 और 22, 40 50 60 और 70 70 आएगा, ये कितना आएगा 70। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, सबसे पहले यू बार, तो सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, तो बताइए सिग्मा एफ यू कितना है -79 और सिग्मा एफ कितना है 70, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर। अब हम निकालेंगे एक्स बार, एक्स बार क्या होता है ए प्लस एच यू बार, ए कितना है 42.5 प्लस एच कितना है 5 का गैप है इनटू -79/70, तो देखिए ये हो गया 42.5 प्लस माइनस माइनस 79/5 से इसे काट दीजिए 14 आएगा, तो 42.5 माइनस 79 को 14 से डिवाइड करिए, ठीक
ठीक है, 14 सिक्स एटी फोर, तो कितना हो गया 6, बराबर इतना ही रहने दीजिए, तो कितना आएगा 5.6। तो देखिए 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, तो कितना आएगा 48.1, इतना आएगा आंसर, नोट कर लीजिए 48.1। आंसर आपका कितना आएगा 48.1, एक बार चेक कर लें, इसे चेक कर लें, चलिए वेरी गुड, चेक कर लेते हैं इसे। अच्छा ये माइनस करेंगे आप, क्या करेंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 42.5 में से 5.6 क्या करेंगे माइनस, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 11 में से 5 जाएंगे, है ना, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 3, तो 36.9 आएगा आंसर, कितना आएगा 36.9, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, चलिए 6 क्वेश्चन लगाते हैं, नोट कर लीजिए 6 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपने को जो इन्फॉर्मेशन दी है कि किसी डेटा का अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना 120 और मीन कितना दे रखा है 59, और टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो वैल्यूज़ अननोन है, एक एक्स एंड वाई, तो अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की और वाई की। आई थिंक सो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन के अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये उसका 7th क्वेश्चन है, और मीन के अंदर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आने वाले हैं उसके, बता रही समझ में, और अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी कर दिया तो मेथड बिल्कुल सेम यही रहेगा जितने क्वेश्चन मैंने इसके अंदर कराए हैं। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर देखो जो क्वेश्चन दिया है वो इसी तरह से दिया है जो मैंने बोला है कि कोई क्लास टेस्ट हुआ है उसके अंदर मार्क्स हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में लाई कर रहे हैं वो एक बच्चा है, जिसके मार्क्स 10 से 20 के बीच में लाई कर रहे हैं वो कितने हैं 3 स्टूडेंट्स हैं, और जिसके मार्क्स 90 से 100 के बीच में है वो वाई स्टूडेंट है, अब वाई कितने हैं यही अपने को क्या करना है फाइंड करना है, और दो स्टूडेंट वो कैरी द 50 to 60 मार्क्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं एक्स स्टूडेंट है, यही अपने को क्या करना है फाइंड करना है, क्लियर। तो इन सभी का अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं कितने हैं 120, और इनका मीन कितना दे रखा है 59। स्टार्ट करें, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, टेबल बना लें, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्लास टड़ाएँ, यहाँ पे आप निकालेंगे क्लास मार्क, एक्स निकालेंगे, और यहाँ कौन है फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए क्लास क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 10-10 का गैप है ना, तो 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 137, 137, 10 15, 10 15, x9, 27 और 80 और y, ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लियर। क्लास मार्क देखिए, क्लास मार्क कैसे निकलेगा, इसका आधा कितना हो गया 5, इसका आधा 15, 10-10 ऐड करते चले जाइए तो कितना हो गया 25, 35, 45, 55, है ना, देखिए और 65, 75, 85 और 95, 10-10 का गैप है ना इसके बीच में, तो देखिए पहला तो 5 आएगा, दूसरा 30 का आधा 15, फिर 50 का आधा 25 और 70 का आधा 35 हो गया, क्लियर। तो 10-10 क्या करते चले जाइए, ऐड करते चले जाइए, ठीक है। अब देखिए अगर आप सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो ज़रा सोचिए, 75 का मल्टीप्लाई आप 27 के साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे थोड़ा सा मेथड को एक्सटेंड करेंगे, एज्यूम मीन मेथड पर चलते हैं, देखते हैं उससे कितना इजी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। तो 10 में आप 5th वाला 1 2 3 4 5
या सिक्स्थ वाला, कोई सा भी ले सकते हैं इसमें। तो वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, ये वाला ले लो। पांचवा भी ले सकते हो, छठा भी ले सकते हो। जब भी इवन आते हैं तो बीच का नंबर पांचवें छठे में से कोई सा भी ले सकते हो अगर दस हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ से डी निकालेंगे, डी क्या होता है एक्स माइनस ए, क्लियर। तो फाइव माइनस फिफ्टी फाइव, फिफ्टीन माइनस फिफ्टी फाइव, 25 माइनस 55। ये मेथड मैं क्यों लगा रहा हूँ, जिससे कि कैलकुलेशन तुम्हारी क्या हो जाए, इजी हो जाए, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई करते टाइम थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई मैं ये नीचे लिख तो रहा हूँ, यहाँ तक क्या कैमरे के अंदर दिख रहा है, देखता हूँ। यस, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्लियर। तो बताइए ये कितना हो गया, माइनस 50, बराबर 10-10 कम करते चले आइए, माइनस 40, माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 बढ़ाते चले आइए, 10, 20, 30, 40। आप बोले सर ये तो बहुत इजी हो रहा है। यस, आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे ना तो ये बहुत ही इजी रहेंगे। अब देखिए, अगर मैं FD लगाता हूँ, अभी भी नंबर थोड़े बड़े आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, आगे बढ़िए, स्टेप डेविएशन मेथड पे आते हैं। तो U निकालेंगे, U क्या होता है D अपॉन H, इससे और इजी हो जाएगा ये, क्लियर। तो H कितना है यहाँ पर, कितने का गैप है, 10 का गैप है, कितने का गैप है, 10 का गैप है यहाँ पर। तो 10 से डिवाइड कर दिए, D है ना, तो D को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 5 ज़ा, 10 4 ज़ा, 10 3 ज़ा, 10 2 ज़ा, 10 1 जा, 0 1 2 3 4, क्लियर। अब हम यहाँ से FU निकालेंगे, क्या निकालेंगे, FU। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, FU ये देखिए, 5 बन जा 5, 3 4 जा 12, 7 3 जा 21, 10 2 जा 20, 15 बन जा 15, 100% ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। X इंटू 0 0, 9 1 जा 9, 27 2 जा 54, 18 3 जा 54, और Y 4 जा 4Y, क्लियर। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, NCERT का क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, आप इसको लगाइए बढ़िया करके। तो देखिए अपने को सिग्मा F दे रखा है, सिग्मा F किसके बराबर है, 120 के बराबर, तो सिग्मा F यही तो आएगा यहाँ से, सिग्मा F ऐड करेंगे इसे। तो देखें, 7 और 3 10, 10 और 10 20, और 30 35, 35 और 10 45, 45 और 27, 45 और 27 और 18 कितना हो जाएगा, 7 5 12 8 20, 4 और 2 6, 2 8 और 1 9, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 प्लस एक्स प्लस वाई, ये एक्स हो गया और ये कितना हो गया वाई, ये किसके बराबर है, 120 के। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, डेटा का टोटल नंबर्स बताते हैं कि कितने लोग हैं। तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं, 120, तो सभी को ऐड कर दीजिए आप, जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स और वाई में ही रहेंगे आपके, एक्स और वाई में, बाकी सभी ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, क्लियर। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया 120 माइनस 90, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1, क्लियर। दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन होना ज़रूरी है, तो एक इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन भी है, NCERT का एग्जाम्पल आई थिंक सो है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। अब देखिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच यू बार, क्लियर। अब देखिए ए आपको दे रखा है, ए कितना है आपका 55, और मीन कितना दे रखा है 59, और प्लस एच कितना है 10, एच कितना है 10, 10 का गैप है ना, और यू बार क्या होता है, सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, इसको इधर लाइए, तो 59 माइनस 55 इज इक्वल टू 10 इंटू सिग्मा एफ, कितना दे रखा है अपने को, 120। आप बोलोगे सर सिग्मा एफ आपने ये वाला क्यों नहीं रखा है, एक्स और वाई वाला, अरे भाई टोटल अपने को दे रखा है ना 120, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, 120 रख दीजिए वहाँ पर। सिग्मा एफ यू ये जोड़ना है अपने को, तो देखिए ये कैसे जुड़ेगा,
माइनस के जोड़ेंगे और प्लस के जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कितना बचेगा ये। क्लियर? तो देखिए 15 और 20 35, 35 और 5 40, 40 और 50 और 60 70, 70 और 3 73, 73 तो माइनस का हो गया। अब ये हो गया 4 और 4 8, 108 है ना, 5 5 100 हो गया, 108 और 108 9 8 17 117, तो कितना बचेगा 4, हाँ 44 बचेगा। कितना बचेगा ये 44, तो सिग्मा एफ यू किसके बराबर हो गया 44 प्लस 4y, ये वाला 4y। क्लियर? तो ये आपका आ गया सिग्मा एफ यू, कितना आएगा 44 प्लस 4y। कोई डाउट यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज़ रखनी है। अब देखिए यहाँ से वाई निकाल सकते हैं आप, ये कितना बचेगा 4 इजिकल टू 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर कितना हो जाएगा 44 प्लस 4y अपॉन 12। क्लियर? 12 बदल लिया, 12 4 48, तो 44 प्लस 4y, तो 44 इज इक्वल टू 4y, तो यहाँ से 4 बचेगा, 4 इज इक्वल टू 4y, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई यहाँ से, y की वैल्यू 1। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x प्लस y किसके बराबर है 30 के, तो x प्लस y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 29। टेढ़ा टेढ़ा आ गया, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे बढ़ाते हैं, मैं इसके अंदर केवल 13 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आप प्लीज़ ये 13 क्वेश्चन लगाइए और देखिए टर्म 2 के अंदर यहीं से तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है। और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब वो 4 मार्क्स में दे दें या 3 3 मार्क्स में दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो 8 मार्क्स अपने पक्के करने के लिए मेरा भी थोड़ा पक्का कर दीजिए मसला, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें लोगों में, ठीक है। चलिए तो देखिए मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन वो मैंने करा दिए। अब आगे बढ़ते हैं मोड की बात करते हैं, किसकी बात, मोड की। तो देखिए मोड के अंदर अपने को दे रखा है कोई एनजीओ है जो कैंसर पेशेंट के लिए वेलफेयर का काम कर रही है, मतलब उनका रिकॉर्ड्स वगैरह रख रहे हैं, तो एज ऑफ पेशेंट उन्होंने लिख रखा है यहाँ पर। डेटा किस तरह से दिया है कि पेशेंट की जो एज ग्रुप है वो कहाँ से कहाँ है जिनको कैंसर है ना, तो ये मैं क्लास लिख देता हूँ। ये एज ग्रुप है जिनकी एज अंडर 20 है, जिसकी एज 20 से 40 के बीच में है, एंड द नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ पीपल नहीं, ऐसे लोग जिनकी एज 40 से 60 के बीच में है और जिसकी एज 60 से 80 के बीच में है, बराबर। तो ऐसे लोगों को कैंसर है, और वो ऐसे लोग हैं कितने, 0 से 20 के बीच में 35 लोग हैं ऐसे, और ये 315 लोग हैं, और ये 120 पीपल्स हैं, और ये 50 पर्संस हैं, ठीक है। तो अपने को क्या बताना है कि फाइंड द मोड, क्या बताना है, मोड बताना है अपने को, क्लियर। अब देखिए ये ग्रुप डेटा है, कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का मोड क्या होता है, फॉर्मूला बताइए फटाफट। मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच, ये तो फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला है, मोड का। जब फार्मूलाज लिखा रहा था तो मैं आपको क्या बोला था कि किसको क्या बोलते हैं, आपके समझ में नहीं आएगा अभी, तो अब क्वेश्चन आ गया है, अब समझ में आएगा किसको क्या बोलना है, ठीक है। तो पहले इसको टेबल में अरेंज करता हूँ, यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ, क्लास कौन है, 0 से 20, 20 से 40, और 40 से 60, और 60 से 80, बराबर। फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, 35, 315, 120 और 50, क्लियर। अब देखिए इस फॉर्मूला के अंदर किसको क्या बोलते हैं वो ध्यान से सुनिए, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो चेक करिए कहाँ है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही तो है, इसको हम बोलेंगे F1, क्या बोलेंगे इसे, F1। और इससे पहले बाद में देखिए, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, F1, और उसी के सामने वाले इंटरवल को, किसको, इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास,
क्या बोलते हैं मॉडल क्लास। आप बोलोगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वही L कहलाएगी। क्या कहलाएगी? L। और F1 कितना है? 315। F1 से पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 012 इस तरह से आएगा, एंड द प्रीसीडिंग वाली और एक्सेडिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? F2। तो F0 कितना है? 35। F2 कितना है? 120। क्लियर। और H जो है वो कितने का गैप है? 20 का। कितने का गैप है? 20 का। तो देखो L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पर। तो फटाफट हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, मोड आ जाएगा। तो देखिए मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू बताइए 20 प्लस H की वैल्यू बताइए 20, राइट। अब देखिए F1 कितना है? 315। F0 कितना है? 35 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है? 315 माइनस F0 कितना है? 35 और F2 कितना है? 120। चलिए सॉल्व करके बताइए, इसे सॉल्व करिए और इसे बताइए कितना आएगा ये। सर आप ही कर दीजिए। हाँ मैं तो करने ही वाला हूँ, बट आप भी थोड़ा कैलकुलेशन को सीखिए तभी तो मज़ा आएगा एग्ज़ाम में। मैं थोड़ी ना आने वाला हूँ करने के लिए। बराबर 315 में से 35 को हटाइए, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, बराबर। और 11 में से 3 जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 280 हो गया। इसका डबल 15 का डबल 30 और 3 का डबल 6 है ना, इसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 155। 120 से 30 डालेंगे 150, 155 और इनटू कितना हो गया? 20। तो बताइए कितना हो गया? 20 प्लस 280 इनटू 20, ये कितना बचेगा? 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेगा, बराबर। और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। क्लियर, सही आ रहा है? बिल्कुल सही है। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 4 20, 5 9 45 और 5 5 25। क्लियर। अब देखिए कितना आ गया ये, 20 प्लस 280 अपॉन 95 इंटू 4। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5 5 9 और 5 5 25 हो गया, और 5 6 30, ये कैंसिल हो गया। तो किसके बराबर हो गया? 20 प्लस 6 4 4 6 24 और 5 4 5 20 और 2 22 अपॉन 19, बराबर। अब 2 2 4 को 19 से क्या करिए? डिवाइड करिए, डिवाइड करिए 2 2 4 को 19 से। तो ये लगभग लगभग कितना आएगा? 11.79 इसे ऐड कर दीजिए तो 31.79, ये क्या आ गया? मोड आ गया इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 13 क्वेश्चन ही आप लगाने वाले हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं लगाएंगे एग्ज़ाम में। 100% यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, 31.79 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक साइंस की स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कार्बोनेट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे चैप्टर्स वन शॉर्ट वीडियो मैंने बनाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मोड दे रखा है डेटा का, कितना दे रखा है मोड? 54 दे रखा है, बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ F। किसकी वैल्यू बतानी है? F की वैल्यू बतानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, डेटा क्या दे रखा है अपने को। ठीक है, डेटा या डाटा कुछ भी बोल लो सर जी, आप तो सर हैं। देखिए क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास क्या है? 0 से 15, 15 से 30 और 30 से 45 और 45 से 60, 15 15 बढ़ रहा है यहाँ से, और 60 से 75 और 75 से
90, और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 5, F और 16 और 12 और 7, ये दे रखा है अपने को, क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। वेरी गुड, देखें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने को, इस डेटा का जो मोड दे रखा है वो कितना है 54, और F की वैल्यू बतानी है इसके अंदर, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। बताइए मोड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ग्रुप डेटा होता है तो ग्रुप डेटा होता है तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, किसको क्या बोलते हैं पहले ही मालूम है अपने को। चलिए सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, क्लास है आपका 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45। आप याद कर लिया, देख लिया करें कि कितना कितना गैप है, तो उधर देखने की जरूरत नहीं, यहीं से लिख सकते हैं। 45 से 60 और 60 से 75 और 75 से कहाँ तक लिखा है वो भी चेक करेंगे, 75 से कितना 90 तक, बराबर। अब फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है, 3, 5, F, 16, 12, 7। अब देखिए यहाँ पर मज़ा आएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं जो ना ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना ज़्यादा पढ़ने में सही होते हैं लेकिन मॉडरेट होते हैं, वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस केस में। अब कॉन्सेप्ट बताया गया है कि यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है अपना F1, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर बच्चे मैक्सिमम ढूंढते हैं, तो भाई इसके हिसाब से तो देखो तो मैक्सिमम 16 है, लेकिन F अभी अननोन है ना, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है 16 से और कम भी हो सकता है, ठीक है? अभी यहाँ पर फंस जाते हैं बच्चे, इसको ही F ले लेते हैं, ऐसा नहीं, ये रॉन्ग मेथड है। अपने को क्या करना है, ये चेक करना है कि मोड कितना दे रखा है, तो मोड आपको दे रखा है 54, तो मोड जो होता है वो इंटरवल से ही लाई करता है ना, तो 54 कौन सी रेंज में आएगा? वो बात अलग है कि अनफॉर्चुनेटली 16 ही आ रहा है, अरे बात समझ में, लेकिन मोड किसकी रेंज में आएगा, 45 से 60 के बीच में, 54 इसी के बीच में तो आएगा, तो ये इसका मॉडल क्लास हो गया। तो यहाँ पे L कितना हो गया 45, L कितना हो गया 45, और ये कौन हो गया आपका F1, F1 कितना हो गया 16, और F0 कितना हो गया, F0 हो गया F, और F2 कितना हो गया 12। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने की ज़रूरत नहीं है, जब मोड दिया हो, मोड दिया होता है तब आप ये चेक करिए कि कौन से इंटरवल में लाई करेगा ये, तो ये वाले में, तो ये इसका क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। ठेड़ा ठेड़ा, बने रहें एपीटी अड्डा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? एच कितने का गैप है, 15 का गैप है यहाँ पर, है ना? चलिए बताइए मोड कितना है, वैल्यू रखें, मोड है आपका 54, एल कितना है 45 प्लस, एल अपना है 45, एच कितना है 15 का गैप है, एफ वन कितना है 16, F नॉट कितना है F, 2 इंटू F1 कितना है 16, F नॉट कितना है F, F2 कितना है 12, तो देखिए 54, ये प्लस है, इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस। और इवन आई वुड सजेस्ट कि आप जो स्टेप्स में लिख रहा हो उसी हिसाब से स्टेप्स लिखें, कैलकुलेशन इजी होती है। बच्चे फालतू का कैलकुलेशन बड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर नहीं आ रहा है ये, 16 का डबल 32 माइनस F माइनस 12 और इंटू 15, तो ये कितना बचेगा 9, 9 ही तो बचेगा, वेरी गुड। और ये कितना 16 माइनस F अपॉन 32 में से 12 हटाइए तो कितना बचेगा 20 माइनस F और इंटू 15, है ना? 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया 20 माइनस F के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 20 माइनस F के साथ, और 16 माइनस F का मल्टीप्लाई किसके साथ 5 के साथ, तो ये कितना हो गया 60 माइनस 3F, 16 5 ज़ा 80 माइनस 5F, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 80, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचा 2F इज इक्वल टू 20, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। और देखिए ये 16 से कम ही तो आ रहा है, 10 आ रहा है, तो वैसे वो सेलेक्ट नहीं होने वाला था, ठीक है? नोट कर लीजिए F की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है?
तो मोड से यही दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मीडियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीडियन की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ओजाई ग्राफ जो है वो आपका डिलीट है, तो आपको ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं लगाना है। और टर्म 2 के एग्ज़ाम में ये 8 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, तो इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड और उनके बीच में रिलेशन, बस इतना ही अपने को पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए मीडियन की बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है कि फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, क्या बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पहले 10 प्राइम नंबर्स का अपने को क्या बताना है? मीडियन बताना है, क्लियर। अब देखिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? पहला 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 होता है। तो पहला हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, या 9 होगा। 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर वो होता है विच इज़ डिविजिबल बाई 1 और इट सेल्फ, जो 1 से या खुद से डिविजिबल हो। 11, 13 है ना, 17, 19, 23, 29, 31, 37, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 प्राइम नंबर्स को अपने को क्या करना है? इसका मीडियन बताना है, इसकी मिड वैल्यू बतानी, सेंट्रल टेंडेंसी बतानी है इसकी, क्लियर। अब देखिए, डेटा इस तरह से दे रखा है। अब इसके अंदर पहला स्टेप क्या होता है कि राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग में पहले से ही है, छोटे से बड़े में है तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। अगर असेंडिंग में नहीं होते तो अपने को असेंडिंग में क्या करना पड़ता? अरेंज करना पड़ता। दूसरा स्टेप, एन कितने हैं यहाँ पर? 10 हैं, और 10 कौन होता है? इवन वा होता है, बराबर। जब इवन होते हैं तो मीडियन क्या होता है? ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये आपका अनग्रुप डेटा है। कैसा डेटा है ये? अनग्रुप। तो अनग्रुप डेटा में अगर इवन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2th टर्म प्लस एन बाई 2 प्लस 1 नेथ टर्म, और फिर उसका एवरेज, उसका क्या लेंगे अपने? एवरेज। तो बताइए, एन कितने हैं? 10। तो 10 बाई 2th टर्म प्लस 10 बाई 2 प्लस 1 नेथ टर्म बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा टर्म आएगा? 5th टर्म प्लस 2 से कटेगा, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6th टर्म बाई 2। अब मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? 5 और 6 को जोड़ देते हैं और 11th टर्म लिख देते हैं। अरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, बच्चे नहीं हैं आप, है ना। हाँ, ये टर्म लिखना है, उसका एवरेज है। अरे बस, हमने 5th टर्म यहाँ से कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5th टर्म कौन है? 11, और 6th टर्म कौन है? 13। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 और 6 चटाना अपॉन 2, तो कितना हो गया? 24 बाई 2, तो कितना आएगा? 12 आएगा, क्लियर। देख लीजिए, खुद ही सोचिए, इसके बीच की वैल्यू कौन होगी? 12 ही तो होगी, तो 12 मीडियन आ रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट प्राइम 10 प्राइम नंबर्स का अपने को क्या बताना है? मीडियन बताना है। ये अनग्रुप डेटा की बात चल रही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अपने को क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है इन्होंने। तो देखिए, ऐसे मैं बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा, मैं सीधा क्वेश्चन लिखता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, अपने को एक डेटा दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मार्क्स, और इधर दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100 बराबर। और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है अपने को? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 7, 4 2, 3, 6 7, 9, 8 और 7 बराबर। अब इसके अंदर अपने को करना क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि फॉर्म, क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म द क्यूमुलेटिव, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। देखिए एग्जाम में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी और आपको क्या करना होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसमें लेस देन टाइप भी पूछ सकते हैं और मोर देन टाइप भी पूछ सकते हैं, तो दोनों भी पूछ सकते हैं एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 2, 3, 10, 19, 0, 5, 7 और 11 और 13 अगर मैं आपसे पूछूँ, ये डेटा सही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहीं से समझा देता हूँ कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आप फ्रीक्वेंसी को, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 10 फर्स्ट से कहाँ तक आएगा, 5 तक आएगा। अब सिक्स्थ पोजीशन पर कौन सा इंटरवल आएगा, 10 टू 20 आएगा, है ना। सिक्स्थ से कहाँ तक 10 टू 20 आएगा, ये बात समझ में आना चाहिए। तो देखो 5 तक तो जैसे ही आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ज़रा ध्यान से सुनिए, 1 से लेकर 5 तक तो ये इंटरवल आएगा कौन, 0 से 10 पहली पोजीशन पर भी 0 से 10, दूसरे पर भी 0 से 10, तीसरे पर भी 0 से 10, पांचवी तक 0 से क्या आएगा, 10 आएगा। फिर छठी से अगले 7 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छठी से 7 तक आगे तक कौन सा इंटरवल आएगा, 10 से 20 तक। तो अगर वो क्यूमुलेटिव पूछे कि डायरेक्ट कि 12th पोजीशन पर कौन सा आएगा, तो 12th के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा कि 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12th पोजीशन पर ये आएगा। अब 13th पोजीशन पर कौन आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले 4 पोजीशन पर ये इंटरवल आएगा, 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, कैसे, 7 और 5, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये कहलाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर दिखा देता हूँ अपने को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF से दिखाते हैं, किससे, CF से। अभी मैं लेस देन और मोर देन नहीं सिखा रहा हूँ, पहले क्यूमुलेटिव सुन लो। ये कितना हो गया, 5, 7 और 5, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18, 18 और 3, 21, 21 और 6, 27, 27 और 7, 34, 34 और 8, 51 और 58। अब जरा सोचिए इस डेटा की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट से लेकर 58 पोजीशन तक है। मतलब ये नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो फर्स्ट से लेकर 58 पोजीशन तक मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं इन नंबर्स को लिख सकता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 19th पोजीशन पर कौन सा इंटरवल आएगा, कौन सी पोजीशन पर, 19वीं पोजीशन पर, आप ज़रा सोचिए 16th पोजीशन तक ये आएगा, है ना, यही तो आएगा, और 18th पोजीशन तक ये आएगा बराबर। फिर 19 से लेकर 21 तक ये वाला इंटरवल आएगा, तो 19 यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, 19 से लेकर 21 तक ये वाला इंटरवल आएगा, आ रही बात समझ में। अगर आपसे कोई पूछ ले 36वीं पोजीशन पर कौन सा इंटरवल आएगा, टोटल पोजीशन कितनी है, 58, तो 36th पोजीशन पर कौन आएगा, देखिए 34 पोजीशन तक तो ये आएगा बराबर, 35th से लेकर 43 तक ये वाला इंटर, तो 36 इसी के बीच में तो आएगा, तो ये वाला इंटरवल आएगा कौन सी पोजीशन पर, 36 पर, क्लियर। तो ये मसला किसका होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज टिल दैट पोजीशन। आप जिस फ्रीक्वेंसी तक आप ऐड कर रहे हैं वो उसका क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, क्लियर। अब अपने को क्या बताना है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
बराबर लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए लेस देन टाइप में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए वो जीरो से टेन तक है, तो जीरो से टेन का मतलब क्या है, अपने को लेस देन टेन तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है, लेस देन टेन, क्योंकि लेस देन टाइप में आपको जो भी इंटरवल दिया है आप उसे लेस लेस करते चले जाइए। जैसे जीरो से टेन में लेस देन टेन, फिर उसके बाद लेस देन 20, इंटरवल हट जाएगा यहाँ से। फिर इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 30, फिर अगला क्या हो जाएगा, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90, लेस देन 100। आ रही बात समझ में? तो आप बोलेंगे सर इनकी ज़रूरत क्या है, आप क्यों निकाल रहे हैं फालतू का। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि अगर वो बोल दें कि ऐसे लोग या ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने एक इनिंग के अंदर लेस देन 10 रन स्कोर किए हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं, तो आप बता सकते हैं। बराबर, आप ये भी बता सकते हैं कि जिन्होंने लेस देन 20 स्कोर किया है, तो लेस देन 20 में 10 वाले भी आ सकते हैं, 5 वाले भी आ सकते हैं, तो उसके अंदर ये भी इंक्लूड हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 5, 7। एक काम करते हैं, लेस देन टाइप में आप फ्रीक्वेंसी मत लिखो, सीधा लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी लिखो, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। बराबर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपने को डेटा के अंदर दे ही रखी है, डेटा के अंदर दे रखी है, तब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जीरो से टेन तक कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं, 5, तो 10 से लेस में भी कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। बराबर, और 10 से 20 कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 है। बराबर, तो लेस देन 20 में कौन आएगा, लेस देन 20 में ये वाले भी आएंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेस देन 30 में ये भी सब आएंगे ऊपर वाले, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आरी बस, लेस देन 40 में 40 से ऊपर वाले सारे आएंगे, सारे आएंगे, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बराबर, अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो इसका आप क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। बराबर, लेस देन 50 में ये भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21। बराबर, 21 में 6 जोड़ दो तो कितना हो गया, 27 हो गया। अब 27, 7, लेस देन 70, लेस देन 70 में ये सारे आएंगे, तो ये सारे मतलब कितने हैं, 27 हैं, तो 27 और 7 कितना हो गया, 34 हो गया। 34 और 9 कितना हो गया, 43 हो गया। 43 और 8 कितना हो गया, 51 हो गया। 51 और 7 कितना हो गया, 58 हो गया। ये आपका कौन सा हो गया, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये टेबल अलग है, इससे ज्वाइंट मत कर देना इसे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोर देन टाइप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर देन 10। बराबर, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर स्पेस बना देता हूँ, वरना ये समझ में नहीं आएगा इधर कि कैसा कहाँ से क्या लिखना है, ठीक है। ये हटा दूँ मैं, ये हटा देता हूँ मैं, लेस देन टाइप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोर देन टाइप, देखिए मोर देन टाइप, देखिए अब देखिए अगर आप मोर देन 10 करेंगे तो जीरो वाला रह जाएगा। तो देखिए लेस देन टाइप में अपर लिमिट से लेस देन लिखते हैं और मोर देन टाइप में लोअर लिमिट से लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोर देन 0, मोर देन 0, फिर क्या लिखेंगे, मोर देन 10, लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90। तो मोर देन 90 करोगे तो वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपका 100 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या करना है, लोअर लिमिट ही लेना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखें मोर देन 0 में, किस में, मोर देन 0 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, मोर देन टाइप,
ठीक है। चलिए आप खुद बताइए, मुझे खुद बताइए, अगर आप खुद से बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए मोर देन जीरो में ये सारे आएंगे और सारे किसके बराबर हैं, 58 के बराबर। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए जीरो से ज़्यादा, तो ज़ीरो से ज़्यादा तो सभी आएंगे, तो कितने स्टूडेंट हैं, 58 है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मोर देन 10 किए स्कोर, तो मोर देन 10 में लेस देन 10 वाले क्या हो जाएंगे, माइनस। तो लेस देन 10 वाले कितने हैं, 5 हैं, तो 5 माइनस कर दीजिए इसमें से, 58 में से 5 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 53। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ बात जा रही है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब मोर देन 20 में, मोर देन 20 में बराबर, मोर देन 20 में आप क्या करेंगे, अरे बस मोर देन 20 में आप क्या करेंगे, मोर देन 20 में तो 20 से लेस वाले, अरे बस उनमें मोर देन 20, मोर देन 20 देखो यही तो है, इससे पहले वाले आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 53 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 12 माइनस कर दो यहाँ से, तो कितना आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा। क्लियर, चलिए अगला आप खुद से लिखिए और मुझे बताइए क्या आएगा, बराबर बताइए कितना आएगा। अच्छा मतलब तुम इसमें से माइनस करो ना, 58 में से, या तो आप एक एक करके माइनस करते चले जाओ। तो देखिए ये 53 है, 53 में से 7 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बराबर है ना। देखिए फिर से देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है यहाँ पे, देखिए अब मोर देन ज़ीरो में सारे आएंगे तो कितने हो गए, 58 हो गए, बराबर। अब मोर देन 10 तो यहाँ से ये पूरा कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 58 है, इससे पहले वाला क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 53 आएगा, बराबर। अब मोर देन 20 में, किस में, मोर देन 20 में, मोर देन 20 पूरे कितने हैं, 58 है, बराबर। तो 58 में से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये पूरा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। अरे बात समझ में, अब सही होता जा रहा है। अब देखिए मोर देन 30 में तो पूरे कितने हैं, ये 58 हैं, इससे पहले वाले सब माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितने माइनस कर देंगे, टोटल 16 माइनस कर देंगे यहाँ से, बराबर। तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अब निकालिए अगला, तो अगला खुद से निकालिए, तो बताइए मोर देन 40, तो मोर देन 40 में टोटल कितने हैं, 58 है ना। 58 में से यहाँ से ऊपर वाले सब क्या कर दो, माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 40, बराबर। मोर देन 50, तो मोर देन 50 में टोटल कितने हैं, 58 और 50 से पहले वाले टोटल 21 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 37 और मोर देन 60, तो टोटल 58 में से इससे पहले वाले माइनस कर दो, 27 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1 और 3 31। मोर देन 70, तो टोटल कितना है, 58 है ना, मोर देन 70 से पहले वाले टोटल, टोटल यही तो आ रहे हैं, 34 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 4 और 2 24। मोर देन 80, तो टोटल कितने हैं, 58, इसमें से इससे पहले वाले माइनस कर दो तो कितने, 43 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 5 और 150। फिर मोर देन 90, टोटल कितने हैं, 58 में से इससे पहले वाले माइनस कर दो, 51 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये देखिए ये आपका आ गया मोर देन टाइप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोर देन टाइप और लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 11, 12, 13 लगाते हैं उसे, कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी आपके दे रखे हैं मोर देन टाइप और लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे आप फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इसमें लिखा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अपने को मार्क्स दे रखे हैं, क्या मार्क्स दे रखे हैं, ठड़े मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, मार्क्स कितने हैं, 20, 29,
28, 42, 19, 35 और 51. नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 3, 4, 5, 7, 9, 2 और 3. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का एग्जांपल है. देखिए क्यों क्वेश्चन है अच्छा. पहली बात तो ये अनग्रुप डेटा है. कैसा डेटा है? अनग्रुप डेटा है और टेबलर फॉर्म में दे रखा है. कौन सी फॉर्म में? टेबलर फॉर्म में. तो अपने को भी टेबलर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ मैं. अब देखिए यहाँ पर ही गलती होती है क्या. ये डेटा अपने को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में. तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पर? 19. बस यही मिस्टेक कर देते हैं बच्चे. ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को कि राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. कौन से ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर. तो पहला 19, दूसरा 20, 19 हो गया, 20 हो गया, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 29, फिर उसके बाद 35, 35 के बाद 42 और फिर उसके बाद 51, राइट. अब 19 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9. और 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3. और 28 की कितनी है? 5. और 29 की कितनी है? 4. और 35 की कितनी है? 2. देखिए कितना मतलब एकदम अपोज करने वाला क्वेश्चन है कि आपका मन यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर हट गया ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. 42 की कितनी है? 7. और 51 की कितनी है? 3. बराबर. अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि टोटल हैं कितने लोग हैं, है ना. तो सिग्मा एफ निकालेंगे. सिग्मा एफ मतलब टोटल एन निकालेंगे. कितने हैं भाई यहाँ पर? 9 और 3 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 30 और 33 33 है. कितने हैं? 33. तो 33 क्या होता है? ऑड होता है. चलिए बना लीजिए इसे, बना लीजिए. स्टार्ट करते हैं फिर, है ना. 33 क्या होता है? ऑड होता है. तो बताइए ऑड होता है तो अनग्रुप डेटा में मीडियन कैसे निकलता है? ऑड के लिए n प्लस 1 बाई 2 विथ टर्म, ये तो टर्म होता है. तो 33 प्लस 1 बाई 2 विथ टर्म, तो 34 बाई 2 विथ टर्म, तो 17th टर्म. कौन सा टर्म? 17th टर्म. अब 17वां टर्म मैं यहाँ कहाँ से ढूंढूँ? देखिए नवी पोजीशन पर तो ये 19 आएगा, 1 से लेकर 9 तक तो ये 19 आएगा. तो ऐसे तो निकालना बड़ा मुश्किल है. तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहाँ से हम पोजीशन पता कर सकते हैं. 9, 3, 12, 5, 17, 21, 23, 30 और 33. बताइए 17वीं पोजीशन. 13 से लेकर 13th पोजीशन से लेकर 17th पोजीशन तक कौन आएगा? 28 आएगा. तो इसका आंसर कितना हो गया? 28. अरे बस में इसको आप फील करिए, समझिए कैसे. 1 से लेकर 9 तक 19 आएगा, 10 से लेकर 12 तक 20 आएगा और 13 से लेकर 17 तक 28 आएगा. तो सिर्फ 17 पोजीशन पे कौन है? 28 है. आगे आंसर. चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका. अब क्वेश्चन नंबर 12 लगाते हैं. 12, 13 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं. यही क्वेश्चन को आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें, यहीं से आने वाला है क्वेश्चन. चलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें लोगों में, ठीक है. और अपने फेसबुक पर भी इसे शेयर करें, इसके लिंक को. आपके शेयर करने से मुझे फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत. चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखें, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इज इक्वल टू 100. एन कितना दे रखा है? 100. और मीडियन कितना दे रखा है? मीडियन अपने को दे रखा है 32. ओके, आपको क्लास दे रखा है. देखें क्लास कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 10 और 60 तक है. तो ये हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60. और यहाँ पे लिख रखा है टोटल, है ना.
और ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 10, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 25, 30, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, और ये 10 है, और टोटल कितना है 100, टोटल कितना है 100। तो यहाँ पर मिसिंग में मैं एक्स ले ले, अभी चलो यही रहने दो, क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, वेरी गुड। अब देखें ये आपका कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा है, और क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है। तो ग्रुप डेटा में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। एफ चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ आप उसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए L क्या है, n बाई टू क्या है, सी एफ क्या है, ये सारी बातें आपको यहाँ से पता चलेंगी, क्योंकि जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तभी कब बोला था कि ये सारी बातें जब क्वेश्चन कराएंगे तभी समझ में आएंगी। तो देखिए पहले मैं टेबल को बना लेता हूँ, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, बराबर। और अपने को यहाँ पर क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत है क्या अपने को, बताइए क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत है या नहीं है, चलो देखें कि ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, नोट करिए से आप, नोट करिए फटाफट, ठीक है, देखो कैमरे में दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास मार्क मीडियन में ज़रूरत नहीं है, मीन में ज़रूरत होती है, ठीक है। अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, 10, इसको मान लो x, ये कितना हो गया 25, 30, इसे मान लो y, और ये कितना हो गया 10, और टोटल कितना दे रखा है अपने को 100, कितना दे रखा है 100, बराबर। अब देखिए यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा f कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, क्लियर। तो इसे मैं ऐड कर दूँ, 10 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 30 प्लस 10, तो देखिए 10 और 10 20 और 30 50 और 75, तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, 100 के। 10 और 10 20 और 30 50 और 75 और एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 100 माइनस 75, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 25, इक्वेशन 1, क्लियर। अब एक इक्वेशन और चाहिए अपने को, वो आएगी मीडियन से, किससे आएगी, मीडियन से। तो देखिए मीडियन लाने के लिए अपने को पहले मीडियन क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मीडियन कहाँ पर है, मीडियन कहाँ पर है, 32, तो 32 किसके बीच में आएगा, यहीं तो आएगा, देखिए 30 से 40 के बीच में यहीं तो आएगा। अब यहाँ पर L कितना हो गया, ये मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास कितना हो गया, मीडियन क्लास है ना, L कितना हो गया 30, बराबर। ये हो गया F, F कितना हो गया 30, बराबर। अब इसमें CF क्या होता है, तो उसके लिए अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगी, क्या निकालना पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखें ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10 प्लस एक्स, ये कितना हो गया 35 प्लस एक्स, बराबर। ये कितना हो गया 65 प्लस एक्स, ये कितना हो गया 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो गया 75 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखें ये अपना हो गया F, और इससे पहले वाला जो क्यूमुलेटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CF। किसको क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए, पहले आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करिए, तो 32 दे रखा है तो 32 इसके बीच में आएगा, तो ये L हो गया आपका, L कितना हो गया 30, बराबर। अब सी एफ, एफ कौन हो गया, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 30, और सी एफ कौन हो गया, इससे पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो कितना है 35 प्लस एक्स। एच कितना हो गया, इनके बीच का गैप, गैप कितने का है 10 का है, तो सारी बातें आ गई, सिर्फ एन बाई टू बचा हुआ है, तो एन बाई टू कितना होगा, तो एन हमें मालूम है 100 है, सिग्मा एफ मतलब एन होता है, तो 100 बाई टू किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर, बराबर। अगर देखिए ये अननोन चीज़ें नहीं होती तो 50 वाला मुझे यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट करना पड़ता कि 50 पोजीशन पर कौन आ रहा है, तो वही तुम्हारा इंटरवल सेलेक्ट हो जाता, क्लियर। लेकिन इसमें अननोन वैल्यूज़ हैं, तो इस वजह से आपको डायरेक्ट मीडियन यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
फॉर्मूला लगाइए, मीडियन कितना है, मीडियन है 32 और L कितना है 30 प्लस N बाई 2 कितना है 50 और CF कितना है 35 प्लस X, ये कौन है CF है, और H कितना है 10 है और F कितना है 30 है, बराबर। तो इसको इधर ले आइए, 32 माइनस 30 इज इक्वल टू, ये हो गया 50 माइनस 35 माइनस एक्स, जीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो कितना हो गया 1/3, तो ये कितना बचेगा 2, 3 को इधर ले आइए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 15 माइनस एक्स, तो 6 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 6, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 16, बराबर। नोट कर लीजिए इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो 9 और 16 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, मीडियन में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आप मीडियन का एनसीईआरटी से लगा लेना कि किस तरह से हम मॉडल क्लास को, मीडियन क्लास को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, बट क्वेश्चन यही आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। देखिए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन, दो नंबर का क्वेश्चन पक्का यहाँ से, देखिए रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड, है ना। चलिए हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रिलेशन तो याद होना ही चाहिए, अगर वो रिलेशन पूछ ले तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसके अंदर जो मोड होता है ना वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन में से, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन में से 2 टाइम्स ऑफ मीन क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो उससे कौन आ जाएगा, मोड आ जाएगा। लिख लीजिए मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो देखिए क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन कि इफ़ द मीडियन इज इक्वल टू 137 यूनिट्स एंड द मीन इज इक्वल टू 137.05 यूनिट्स देन फाइंड द मोड, देन फाइंड इट्स मोड। इसका क्या बताना है अपने को, मोड बताना है, ठीक है। वेरी सिंपल फार्मूला मालूम है, क्लियर। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो मीडियन कितना है 137 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन कितना है 137.05। सॉल्व कर लीजिए इसे, 37 जा 21, 13 3 जा 39, 41, 37 जा 21, 2 कैरी, 33 जा 9, 2 11, 31 जा 3 और 4 माइनस, 25 जा 10, है ना, और 7 2 जा 14 और 13 2 जा 26 और कितना हो जाएगा 27। देखिए या मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप बहुत ध्यान से देखें, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 7, 2 1 जा 2, है ना, हो गए। अब इसे माइनस करेंगे, 411.00 में से 274.10 माइनस करेंगे, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 9, तो 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे और 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, तो कितना हो गया 136.90। ये आंसर आ गया किसका, मोड का, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स फॉर 8 मार्क्स, हैप्पी एंडिंग, और एंडिंग के साथ साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें,
अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप अपना कोई रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, सारे चैनल्स के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखे हैं। तो प्लीज़ यही क्वेश्चंस आप लगाइए 8 मार्क्स के लिए। बने रहें पीटर डे के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।